हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हो रहे हैं शाम के 5:30। देखो एक मिनट, पहले मैं लग रहा 5:30 नहीं 5 बज रहे हैं। मैं आधा घंटा ज़्यादा बता दी, अभी 5 बज रहे हैं और मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं दिन में कुछ भी ब्लॉग नहीं शूट करी थी। और आज है सोमवार और तारीख क्या है, आज है 23 तारीख है। हाँ, आज 23 तारीख है। और ये देखो, मैं दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ मैं, और यहाँ पर भी मैंने बेड वगैरह सब कुछ लगा दिया, सब कुछ सेट कर दिया, और इधर अलमीरा में भी सब कुछ सेट कर दिया, क्योंकि जब तक और अभी जब तक ये खाली है ना, तो फिर अभी हम लोग इसी में रहेंगे, क्योंकि उस वाले रूम में, मेरे वाला जो बेडरूम है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा सीलन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा वाली ठंडी लग रही है। तो इस कारण मैं इसी में लगा दी हूँ अपना बेड वगैरह, लगा दी हूँ। बेड नहीं है ये, चौकी है, तख्त जिसे बोलते हैं। दिन में खाना पीना रहना इसी में होता है, फिर रात में उसमें सोने जाएंगे, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल सड़क के पास में रूम है ना, बिल्कुल गली के पास में सड़क पे है, शोरगुल होता रहता है, तो नींद नहीं आती है इसमें, इस वजह से। आ गई, क्या हो गया, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, घर में जा रहा हूँ, यहीं पे खेलूँगा। चल ठीक है, कितना है देखो मम्मी, क्या हम सी भी ट्रिप कर गई थी, आगे लाइट अभी मेरा खाने का मन करा टॉफी थोड़ा सा, तो मैं इसको फाड़ती हूँ इसको इस तरीके से और खाती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है वाला टॉफी में, कच्चा मैंगो जो है ना बहुत ही टेस्टी होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ छोटी के लिए ना, फटाफट से कुछ उसके लिए ना खाना बना देती हूँ, क्योंकि वो जो आज सोई नहीं दोपहर में, तो जल्दी सो जाती है इस वजह से ना। और अभी मैं जा रही हूँ बाबू के लिए ना, अभी मैं बहुत सोच समझ के अभी डिसाइड करी हूँ कि मैं बनाऊँगी उसके लिए आटे का हलवा बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना वो खा रही हूँ आटे का हलवा। सूजी का तो मैं खिला दी थी और बाकी कुछ गाजर का ये सब खाती रहती, लेकिन आज मैं आटे का हलवा बनाऊँगी, क्योंकि आटा का हलवा ना बहुत ही बच्चों के लिए हेल्थी वाला होता है, तो इसीलिए फटाफट मैं बनाती हूँ आटे का हलवा। तो चलो फोन को लगाती हूँ ट्राइपॉड में और बनाती फटाफट। और बस मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, और किचन में बस वही जो आपसे बातें करते मैं बना रही हूँ आटे का हलवा। तो बस कढ़ाई में रख दिया, जो हल्की सी घी डाल दी थी, ये गर्म हो गया ना, फिर उसमें डाल दी थी आटा, अच्छे से इसको भूनना है। और ये आटे का हलवा ना बहुत ही बच्चों के लिए, बच्चे या बड़ों हो, सभी के लिए बहुत ही पौष्टिक वाली चीज़ें हैं, इसमें शरीर का विकास होता है। और आटे के हलवे में विटामिन बी पाया जाता है, और बच्चों के अच्छे फ़ायदे और विकास के लिए आटे का हलवा ना हमें खिलाना चाहिए, इस सर्दियों में तो ज़्यादातर एक टाइम देना ही चाहिए। और अगर बच्चे आपका ज़्यादा मीठा खाना नहीं पसंद करें, हल्का सा मीठा कम करके बनाए, काफ़ी अच्छा लगता है। और इसमें घी डाल दें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके बनाए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आटे का हलवे में खाने से ना एनर्जी मिलती है, और जो है कि बच्चों की सुस्ती और कमजोरी दूर होती है, इससे बच्चे का मूड अच्छा रहता है और काफ़ी समय तक ना पेट भरा उनका रहता है। और इसका सेवन ना छोटे के साथ साथ ना बड़ों को भी करना चाहिए, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। आटे के हलवा में पोटेशियम और कैल्शियम पाया जाता है, और इससे हड्डियां मजबूत होती है और दांतों को विकास को भी बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर देखो मेरा आटे का हलवा झटपट हो गया है बन के तैयार, और मैं थोड़ा सा रख देती हूँ, और थोड़ा सा मैं छोटी को यहाँ पर खिला दूँगी, और आधा बेटा खा लेगा और छोटी को खिला दूँगी मैं यहाँ पर। ओ
अभी मैंने फ़ोन किया है तो वो बोल रहे कि यहीं पे भेज दो, तो मैं हलवा वहीं पे भिजवा दी भाभी क्या है, और वही लोग छोटी खा लेंगे, तो मैं फटाफट करती हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि फिर ना बाबू खेले तो बना लूँगी, नहीं फिर आ जाएगी तो हमें उसको संभालना पड़ेगा, तो फिर देर हो जाएगा। तो चलो फटाफट फिर से मैं करती हूँ काम। तो फ्रेंड्स अभी सब्जी में मैं जा रही हूँ बनाने, अब बनाऊँगी मैं आलू बैंगन टमाटर और पालक डाल करके ना इसकी सब्जी मिक्स बनाऊँगी, काफ़ी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है सब्जी ये। और इधर मैंने ना चावल भिगा दिया, तो आज मैं बनाने वाली हूँ खीर थोड़ी सी बनाऊँगी, और इसमें मैंने आलू रख दिया, तो इसमें देखती हूँ कचौड़ी बना दूँगी आलू की, या कुछ पराठे जो मन पे वो बना दूँगी। और यहाँ मैंने कढ़ाई रखी है जो कि ये चूल्हे वाली कढ़ाई जो कि थोड़ी सी काली लग रही है, जो ऊपर छत पे बनाती थी ना वो वाली कढ़ाई है, आप लोग सोचेंगे बहुत काली है तो ये चूल्हे पर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट सब्जी, फिर उसके बाद आलू छीलूंगी, फिर उसके बाद खीर बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आप सभी से बातें करते करते ना खाना बनाना चाह रही थी, लेकिन बस शाम का टाइम था, जैसा कि बस सभी लोगों के यहाँ ना गाने वाने बजने लग जाते हैं, भक्ति गीत वगैरह बजने लग जाते हैं, तो जिस कारण ना कॉपीराइट आ जाता है, तो इस वजह से हमें फिर से ना इसको वॉइस को म्यूट करना पड़ा। तो मैं जा रही हूँ यहाँ पर बैंगन की सब्ज़ी बनाने, बहुत ही अच्छा बनता है इस तरीके से बनाएं, तो इसमें मैंने हींग डाल दिया था, और इसमें डालूंगी जो पचफोरन होता है ना अचार का मसाला बोल सकते हैं वो, और प्याज लहसुन और मिर्च, यही अच्छे से इसको पका लेंगे डाल करके, और जो आलू कटे थे वो आलू डाल देंगे, आप अपने हिसाब से डाल दें आलू डाल दें। वैसे तो बैंगन की सब्ज़ी सभी को बनाने आती है, कौन बहुत ही ज़्यादा वैसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन इस तरीके से मैं बनाती हूँ ना बहुत ही टेस्टी लगता है पालक के साथ और टमाटर के साथ, टमाटर तो पड़ता है लेकिन पालक डाल करके बनाएंगे ना तो बहुत ही और इसका टेस्ट है दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पर शुरू के मतलब सुबह के काम 5 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, और शाम के भी काम ना जो होते हैं मेरे 5 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, और सारा दिन ना चीज़ों को व्यवस्थित करने में निकल जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि सारा चीज़ मतलब ठीक ठाक से अच्छे से रखूँ, व्यवस्थित करके रखूँ, लेकिन थोड़ा मोटा ना इधर उधर हो ही जाता है, और साथ में बच्चे भी होते हैं ना तो कुछ बच्चे भी फैला देते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरा हो गया है सारा काम नहीं हुआ है, मतलब सब्जी छौंक दी हूँ मैं, तो बस यहाँ पर आ गई मैं हाथ पैर धुलूँगी, और बस क्योंकि शाम का टाइम हो गया है ना, तो हमें शाम को ना मन मतलब पूजा पाठ कर लेना चाहिए, सुबह शाम डेली याद कर लेना चाहिए भगवान को। और बस मैं यहाँ पर हाथ पैर धुल के आ गई हूँ, धूप बत्ती करने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पर बस आप लोग देख रहे होंगे मेरा मंदिर ना, बस मेरे को समझ में नहीं आया मैं कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ, किस जगह रखूँ, क्योंकि बच्चों के लिए भी सेफ होना चाहिए, छोटी है ना तो वो छेड़ती रहती है तो डर लगता है ना, और बस इस कारण ना मैं तो अपने नीचे भी इसी तरीके से रखी हूँ, मैं जो टीवी का स्टैंड होता है ना उसी के नीचे मैं रख रखी हूँ, और ऊपर देव का बैग या बिस्तर वगैरह रख देती हूँ। तो चलो पूजा कर ली मैं, पूजा करने के बाद आ गई मैं फिर से किचन में, ड्यूटी लग गई। तो यहाँ पर हो गए थे आलू तो हल्के हल्के से भुन गए थे बैंगन, तो बस इसमें मैं पालक डाल दूँगी, और इसके साथ ही मैं टमाटर भी डाल दूँगी मैं इसमें कट किया हुआ। तो ये टमाटर बहुत ही अच्छे थे, जो हल्के से खट्टे खट्टे वाले आते हैं ना, ये वाला टमाटर था, तो काफ़ी इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे शाम का समय हो गया था, देखिए हल्की सी ठंडी लग रही थी कानों में ना, हवा से जैसे लगती है मेरे को, तो बस मैं यहाँ पर बिना कान बांधे तो कुछ काम कर ही नहीं सकती हूँ मैं बस, तो स्टॉल मैंने ले लिया है। और यहाँ पर इसमें डाल दूँगी मैं नमक हल्दी डाल दूँगी। तो आप लोग इस तरीके से बनाना सब्जी ना बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल गाँव की तरह, और जैसे शादी में भंडारे वंडारे में बनती हैं सब्जियाँ ना, तो वैसे बहुत ही अच्छी लग रही थी सब्जी। और मैं जब भी बनाती हूँ तो पालक रहता है तभी मैं बनाती हूँ, या तो फिर मैं चोखा वगैरह बना देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सब्जी पक रही है, तब तक मैं कर लेती हूँ यहाँ पर पूरी बनाने की तैयारियाँ, आलू की बनाऊँगी। और आलू हमारे यहाँ पर हो गया है, छिल गया है बिल्कुल, और बस मैं सब्ज़ी चला करके देख लेती हूँ थोड़ी सी, तो बस एक साइड में दूध मैं रख दूँगी पकने के लिए, धीरे धीरे खीर भी बनता रहेगा। तो यहाँ पर मैं चावल जो भिगाई थी ना, तो अचानक मेरा प्लान बना था खीर बनाने का, तो बस मैं गर्म पानी में भिगाती थी, जिस कारण जल्दी ये ना फूल गया था चावल, और बस ग्राइंड कर दी थी मैं मिक्सर में, और हाथों हाथ ना मैं अपने मिक्सर को साफ़ करके पोंछ के ही रख देती हूँ, जब यूज करती हूँ तब पोंछ के अपना रख देती हूँ, इसे ना साफ़ और सुरक्षित रहता है। अब मैं इसी तरीके से ना अपनी चीज़ों को व्यवस्थित और साफ सुरक्षित रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरे देखो दूध हल्के से उबलने वाले थे, फिर मैंने इसमें चावल डाल दिया, और अपना धीरे धीरे ना पकता रहेगा। तो मैं चावल वो वाला नहीं बना रही थी, जैसे चावल को भूनना पड़ता है ना वो वाला नहीं बना रही थी, और मैं इसी तरीके से बना रही थी, कभी कभी कुछ अलग बनाना चाहिए, और ये भी बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से भी बनाना। और खीर बनाने के तो कई सारे तरीके, तो बस मैं सिंपल सा ही बना रही थी। यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी लगभग बन के हो चुकी है तैयार,
और मैं यहाँ पे ले लूँगी धनिया, और धनिया को कट करके मैं डाल दूँगी। और देखिए मेरी सब्ज़ी बनके हो गई बिल्कुल तैयार, देखने में जैसे बिल्कुल खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और लोहे की कढ़ाई बनाए तो हल्का हल्का सा सफ़ेद मतलब काला दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या कर रहे हो? देखो बेटा म्याऊ। आपको ठंडी लग रही है क्या? आपको ठंडी लग रही भैया? लग रही ठंडी? नहीं लग रही है। अरे बोलो तो, कुछ तो बोलो। पैर छू गए? अरे बाप रे, बहुत बड़े हो जाओ, बहुत बड़े हो जाओ। मैं आपका छू? जय हो दे भैया। और यहाँ पे देखिए बेटी आ गई थी, तो बस मेरा स्टॉल मांग रही थी, मैंने उसे स्टॉल दे दिया था। अगर पूरा खोल के देती ना तो उलझ जाती मतलब, तो फिर मैंने फोल्ड करके दे दिया था। और यहाँ पे देखिए बॉल सब कुछ फैला, मैं इतना मतलब सारा समेटती रहती और बच्चे ना फैलाते रहते यार, बस कोई बात नहीं। और यहाँ पे मेरे सिंक भर गए थे बर्तनों से, तो मैं बर्तन भी धुलूँगी। और यहाँ पे छोटी बोल रही थी ना, मम्मा मैं आपका पैर छू लूँ, इसको जब पैर छूना होगा तो पूछती है पहले, भाई मैं आपका पैर छू लूँ, मम्मा पैर छू लूँ, सबसे पूछेगी। फिर जब छू लोगे ना तो फिर कही अब आप भी मेरा छूओ, ऐसे कई दिनों से पता नहीं क्यों कर रही है। और ये देखिए पानी पर नज़र पड़ गई इनकी, बच्चों के ना सबसे जो प्यारा हमें लगता है ना, ठंडी हो गर्मी जो भी, बस पानी ही प्यारा होता है। तो यहाँ पर उसको प्यास लग रही थी, मैंने बोला चलो गर्म पानी मैं दे दूँगी, तो यहाँ पर मैं लगे हाथ ना, फिर बर्तन भी धुल रही थी, हमको चलो बर्तन भी धुल रही थी। और मैं देव आ गए थे तो मैंने बोला कि चलो पढ़ाई कर लो, पढ़ाई का समय हो गया है। तो यहाँ पे बर्तन धुलने के बाद मैं फिर मैं आ गई थी यहाँ पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो मेरे फटाफट खाना हो गया है बन के तैयार, तो आप सब भी आ जाओ खाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी, इसके आगे मैं वीडियो ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि बाबू को सुलाना पड़ गया था। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो।